हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डिफरेंट शेयर, बिल्कुल नई दुनिया का ब्लू चिप शेयर मैं इसको कहूँगा। लार्ज कैप सेगमेंट में है, लेकिन जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट है। बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, ये नहीं, कुछ अलग ही सेक्टर है। चलिए बात करते हैं इस शेयर की, और जो नया रिकॉर्ड बना है उसकी बात करते हैं। फ्यूचर ब्राइट है, कैसे ब्राइट है वो भी जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला, डीमैट अकाउंट खोलने की तलाश कर रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जीरोधा का लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। जीरोधा इज़ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो आप देखिए, ये हम चलते हैं आपके लिए इस शेयर की तरफ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड। आज की डेट है 14 मार्च 2019। यूपीएल लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का टॉप का शेयर है। केमिकल ही नहीं, एग्रोकेमिकल। अब आप देखिए, 46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ब्लू चिप शेयर है, लार्ज कैप सेगमेंट का है, बढ़िया शेयर। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको लगेगा यस, दिस शेयर इज जबरदस्त शेयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, सेल्स ग्रोथ 13%। अल्टीमेट में कहूँगा, ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली, प्रॉफिट देखिए। 2000 करोड़ से आज की डेट में 19,000 करोड़ का सेल्स का डाटा। प्रॉफिट 200-250 करोड़ हुआ करता था, आज की डेट में 2000 करोड़ का प्रॉफिट। तो मतलब जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं एक और नई चीज़ की, जो हम कह रहे थे फ्यूचर ब्राइट है। तो अगर एग्रोकेमिकल मार्केट की बात की जाए, तो एग्रोकेमिकल मार्केट, उसका एनालिसिस, डिमांड, उसकी एप्लीकेशन और उसका फोरकास्ट देखा जाए 2026 तक का, तो भाई ज़बरदस्त मार्केट है। और ये मार्केट की जो एस्टीमेशन है कि जो ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट का साइज़ है, वो आने वाले टाइम में 301 बिलियन US डॉलर तक रीच करेगा। तो आप खुद सोचिए, हमारा तो एक ये यूपीएल जो है वो छोटा प्लेयर है, ग्लोबल मार्केट में US डॉलर 301 बिलियन। मतलब भाई, यहाँ पे जो ग्रोथ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिस तरीके से एग्रोकेमिकल ग्रोथ है, वो टॉप है। चाहे वो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स आए, या फिर जो कि फार्मर्स को हैवी लॉसेस से बचाएंगे, जिसके से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फर्टिलाइजर्स की बात करो, इंसेक्टिसाइड्स की बात करो, पेस्टिसाइड्स की बात करो, ये सब एग्रोकेमिकल्स में आते हैं, जिस पे यूपीएल काम करता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यस, ज़बरदस्त ग्रोथ, खास करके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एग्रोकेमिकल सेगमेंट में, तो यूपीएल उसी डायरेक्शन में काम करता है। तो यूपीएल का हमने डिटेल्स देखा, फंडामेंटल्स देखा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप टेक्निकल्स देखते हैं, नया रिकॉर्ड, मतलब ये देखिए, इस 800-900 के आसपास का जो इसका हाई था, उसको तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया भैया, ये नया रिकॉर्ड। अब आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी, अभी अक्टूबर में तो गिरा हुआ था, ये देखिए अक्टूबर में जो शेयर था 600 के आसपास था, 588-600 के लेवल पे था, और अचानक 300 रुपये टच हो गया। मतलब 600 का 50% कितना होता है, 300 होता है ना, 600 का 50%, तो मतलब 50% जंप आ गया, वो भी पिछले 4 महीने में, और इतने लार्ज कैप के स्टॉक में। तो आप देखिए भाई, 50% जंप आया, आपके सामने आया, देखिए 50%। अगर किसी ने 1 लाख लगाए होते तो 50,000 उसको अभी तक मिल चुके होते, आराम से मिल चुके होते। तो देखिए, ज़बरदस्त शेयर। अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा, अपने हर वीडियोज़ में कहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला कि भैया, हर कुछ डिस्काउंट में मिलता है, हर कोई चीज़ डिस्काउंट में मिलती है। आप यकीन मानिए, दुकान पे भी अगर 100 रुपये का सामान लेने जाते हो, तो वो भी अपना मार्जिन लगा के बोलता है। अगर आप उससे बोलोगे नहीं जी 90 का दो, तो भाई डिस्काउंट हर चीज़, ये शेयर मार्केट में तो खासकर, कई बार तो ऐसे यकीन नहीं आता कि ये इतने लेवल तक नीचे तक गिरेगा। तो आप खुद सोचिए, यूपीएल 900 पे ट्रेड कर रहा था और 600 के आसपास मिलने लग गया था, तो मतलब 900 का शेयर 600 पे मिलने लग गया था। आप खुद सोचिए, 33-35% के आसपास का डिस्काउंट, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत बढ़िया टाइम था, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसको बाई करने का, वेरी गुड टाइम मैं कहूँगा। और वापस अगर मैं आपको, कई लोग थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं, तो वो देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए, आपकी जो एग्जैक्ट कन्फर्मेशन थी वो यहाँ पे आई थी, यानी कि 700 के लेवल पे, 700 के लेवल पार करते यहाँ पे देख गया था, हाँ भाई अब इसमें थोड़ा और रैली आएगी, और बढ़िया शेयर नो डाउट यहाँ से 200 रुपये और ऊपर गया है। और यहाँ पे जिसने बाई किया होगा, जो ये सपोर्ट लेवल था, देखिए टेक्निकल में दूसरी चीज़, सपोर्ट बहुत काम करते हैं भाई। ये जो सपोर्ट लेवल था 582 का, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा, तो ले जी अच्छा रिटर्न उसको मिला होगा। और पहला जो 3 पॉइंट मैं बता रहा था, एक पे मार्केट में सब कुछ डिस्काउंट में मिलता है, दूसरी चीज़ हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ,
हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है शेयर मार्केट में, खास करके ये देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पे फॉल आया था वापस क्या यहाँ पे फॉल आया, वापस जाने लग गया है। और तीसरी चीज़ क्या है, पहला और आपको ये चीज़ें जो ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस ऑलवेज फॉलो ट्रेंड, ये चीज़ को ध्यान रखिए, प्राइस हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करता है। और जैसे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा कि अ बॉडी इन मोशन कीप्स इन मोशन, तो जब तक चलती रहती है जब तक कि वो उसमें रुकावट ना आए, तो ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, जब तक कि उसमें रिवर्सल ना आए, तो उसको पॉइंट को कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो चलिए, तो ये UPL के शेयर की हम बात कर रहे थे। ये देखिए आप, ज़बरदस्त नरका केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का मेन प्रमोटर है और बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स 613 FII ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को शेयर जरूर करें और ये डाटा अपने तक मत रहने दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, फेसबुक व्हाट्सएप शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए, लाइक्स और कमेंट मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।